खबर बलरामपुर से है, जहां वाड्रफ नगर में गांव और नगरों को रोशन करने की मुहिम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। निकायों, ब्लॉकों से लेकर पंचायत निधि से स्ट्रीट लाइट लगाने के बड़े पैमाने पर खेल किया गया है। वहीं इसी में 10 लाख का बजट भी दिया गया। वहीं मामले में ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने के बाद भी अब तक जांच नहीं हुई है। 100 पुल का लागत लगभग 10 लाख रुपए, एक पुल में लगभग 10,000 का लाइट लगना था, जो एकदम घटिया लाइट लग रहा है 1,200 रुपए का। हम लोग सस्ता लाइट किसी भी कीमत में अपने ग्राम पंचायत में नहीं लगने देंगे। जो इस ग्राम कोटराही में जो इस्टीमेट 10 लाख का है, एक पुल में 10,000 का, वो 10,000 का लाइट लगे, सस्ता लाइट। बल्ब लगाने के लिए आया था, जिसमें एक पोल में 10,000 का काम होना था, इसमें नहीं हुआ। इसमें घटिया काम कर रहे हैं लोग, घटिया बल्ब लगा रहे हैं, वो लगना नहीं चाहिए और हम लोग ऐसा काम होने नहीं देंगे। क्योंकि तत्काल सूचना दिए थे कि ये खराबी है, तो उस पर एस्टिमेट निकाल के क्या किया गया है और क्या किया जा रहा है, वो दोनों का मिलान करने के बाद उसका निर्णय लिया जाएगा कि जो सही है अब सही है। और इसमें क्योंकि विद्युत ठेकेदार के द्वारा काम कराया जा रहा है, जो लाइसेंसी ठेकेदार हैं उन्हीं के द्वारा काम कराया जा रहा है।